हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो के अंदर हिंदी का मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। हिंदी का ये मॉडल पेपर है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से आपको आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार से पेपर आने वाला है। कई स्टूडेंट बोल रहे थे, सर ईवीएस के साथ में हिंदी का मॉडल पेपर भी डालिए, तो ये हिंदी का मॉडल पेपर है। आप बोलोगे तो तीन चार वीडियो और डाल दूंगा मॉडल पेपर के अलग अलग, और फिर आपका जो ब्लू प्रिंट आएगा उसके अकॉर्डिंग अपना आइडिया लगा लेंगे। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेहनत की कमाई पार्ट में एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, मेहनत की कमाई जो पार्ट है उसमें अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर क्या कहा? पैसे कमाने के लिए कहा। जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा? सौपन की बात बताने के लिए कहा था। लोह पुरुष किसको कहते हैं? लोह पुरुष अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। शौच के बाद अपन को हाथ जरूर धोने चाहिए, किससे? साबुन से धोने चाहिए। सदाचारी बनने के लिए क्या होना आवश्यक है? ईमानदार होना आवश्यक है। देवताओं और दानवों में होता रहता था, क्या होता था? देवता और दानव युद्ध करते रहते थे। देखो पड़ोसी राजा ने दो घोड़ियां क्यों बेच को क्यों भेजा पड़ोसी राजा ने दो घोड़ियों को क्यों भेजा? तो इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए घोड़ियां भेजी थी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और ये बेटी कौन सी है। देवताओं ने लड्डू खाने की समस्या कैसे सुलझाई थी? देवता बुद्धिमान थे, अतः वे अपने विवेक समझ से आमने सामने बैठ गए व एक दूसरे को सम्मान पूर्वक लड्डू खिलाने लगे थे। खंड ए के शब्दों को खंड ब के समानार्थी शब्दों से मिलान कीजिए। देखो तनिक तनिक मतलब क्या होता है? थोड़ा, मतलब अपन बोलते हैं तनिक सा, तो थोड़ा। दंड दंड का होता है सजा। संयम नियंत्रण रखना, संयम रखना। पाषाण पाषाण मीन्स पत्थर, जो आगे आपके पास है आंचर है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो पद्यांश क्या है? उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठ कर रसोई घर में ही सो गया था। कीरत नाम का बारी पन्नाधाय का भक्त था। वह महलों में से जूठी जूठी पतले इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपा कर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नाधाय को वहां आने तक उसकी रक्षा करे। तो इससे क्वेश्चन बनेंगे। देखो उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, पन्ना का त्याग, क्योंकि वो अपने बेटे को त्याग दे मतलब बलिदान दे देती है, इसलिए पन्ना का त्याग। उदय सिंह रूठ कर कहां सो गया था? रसोई घर में सो गया था। पन्नादाय का भक्त कौन था? कीरत नामक बारी। पन्नादाय कीरत नामक बारी को क्या काम सौंपा? सिसोदिया वंश की आन बचाने का काम सौंपा था। आगे देखो लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। देखो लोकतंत्र की झांकी तो कौन लेकर आती है? 26 जनवरी लेकर आती है। होली दीपावली ईद पे ऐसा काम नहीं होता है। नया समाज बनाई कविता के आधार पे हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? समाज के सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर आगे बढ़े और परिश्रम को अपना जीवन मंत्र बनाएं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। इन पंक्तियों को पढ़कर आपके मन में कैसे भाव जागेंगे? हमारे मन में वीरता देशभक्ति और स्वाभिभक्ति वाले भावे जागेंगे। देखो खंड ए और खंड ब को मैच करना है, देखना मैच करना है। यह धरती जो माँ है अपनी, तो देखो हमें जान से प्यारी है। दूसरा देखो हुलस रहा माटी का कण कण, देखो इसका आंसर क्या होगा? उमड़ रही रसधार है। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा न मिलिया कोई। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ये मैच द फॉलोइंग थे। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व प्रत्यय को अलग कीजिए। देखो सुंदर एक मूल शब्द है, उसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। देखो प्रत्यय शब्द के एंड में जुड़ता है और उपसर्ग पहले जुड़ता है। अगर स्टूडेंट आपको उपसर्ग प्रत्यय में दिक्कत है, कोई भी ग्रामर के टॉपिक में दिक्कत है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। सामाजिक मतलब मूल शब्द इसमें समाज है
और प्रत्यय इक है क्योंकि इक और समाज मिलेंगे तब सामाजिक बनेगा। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग को अलग कीजिए। अब यहाँ पे उपसर्ग तो पहले आता है, तो देखो मान मान मूल शब्द है और सम उपसर्ग होगा, हार मूल शब्द है और वी उपसर्ग होगा। यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों का उस वाक्य में प्रयोग कीजिए। सूझबूझ दिखाना, बुद्धिमानी प्रदर्शित करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखो, पुलिस के सामने उसने बड़ी सूझबूझ दिखाई। लाल पीला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य में प्रयोग में जब घर पहुंचा तो पिताजी लाल पीले हो रहे थे। निम्नलिखित वाक्यों का बहुवचन का प्रयोग करते हुए पुनः बनाइए। मनीषा को कहानी पसंद है, मनीषा को कहानियां। देखो ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसको बहुवचन बनाना है तो कहानियां पसंद हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तकें पढ़ता है, राम पुस्तकें पढ़ता है। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा व क्रिया शब्द छांटकर अलग कीजिए। देखो संज्ञा वो होता है किसी जाति स्थान या किसी के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। देखो मौन यहाँ पे संज्ञा है और खेलना वर्ब है, तो हिंदी में वर्ब को अपन क्रिया बोलते हैं। यहाँ पे सरला नाउन, नाउन को हिंदी में अपन संज्ञा बोलते हैं, तो सरला संज्ञा है। और बनाती क्या है, बनाना, मेकिंग बनाना क्या है, यहाँ पे क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से लिंग व विशेषण छांटकर अलग लिखिए। देखो सुशीला गाना अच्छा गाती है, तो लिंग तो इसमें देखो स्त्रीलिंग है क्योंकि सुशीला एक लड़की है। और विशेषण क्या है, कैसा गाना गाती है, अच्छा, तो विशेषण अच्छा है। मोर सुंदर पक्षी है, तो मोर क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। मोर नहीं होता तब स्त्रीलिंग होता। और पक्षी कैसा है, मोर सुंदर, तो सुंदर विशेषण है। दुख शब्द का विलोम शब्द है, दुख शब्द का विलोम होता है सुख। आपने अपने मित्र के साथ किसी दर्शनीय स्थल पर घूमने गए, वहां देखे दृश्य का वर्णन अपने मित्र से करते हुए इसे संवाद रूप में 6 पंक्तियों में लिखिए। आप अपने दोस्त के साथ कहाँ घूमने जाते हैं तो वहां क्या देखा उसके बारे में लिखना है। तो देखो खुद के खुद बोल रहे हैं, कल मैं और लखन जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर गए थे, जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर गए थे। तो उसका मित्र बोल रहा है, मित्र मंदिर में तुमने क्या क्या देखा, तो उस जवाब दे रहा है वो कि मंदिर में हमने राधा गोविंद के दर्शन किए, वहां भजन कीर्तन किए। तो मित्र बोला, अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा कार्य किया, इससे तो मन पवित्र होता है। तो स्वयं बोल रहा है, मंदिर में अनेक प्रकार के साधु संन्यासी रहते हैं और प्रसाद वितरण भी होता है। तो मित्र बोलता है, अच्छा, मैं भी अपने माता पिता के साथ गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन के लिए जाऊंगा। निम्नलिखित में से किसी एक कहानी को कल्पना के आधार पर लिखिए। देखो ये कहानी है, इसको कल्पना के आधार पर लिख सकते हो। शेर और हिरण की है, खरगोश और चूहा है, चालाक लोमड़ी है, या फिर आप किसी विषय पर निबंध लिख सकते हो। दीपावली पे, मेरा विद्यालय पे, मेरा गांव पे, मेरा प्रिय खेल, ये आप देखो लिख भी सकते हो और मैं दिखा भी देता हूँ आपको। देखो दीपावली पे निबंध है आपका, फिर देखो होली पे है आपका, स्वतंत्रता दिवस पे है, गणतंत्र दिवस पे है, देखो मेरा विद्यालय पे है, देखो मेरा विद्यालय रहा उसमें आया था कि मेरे विद्यालय का नाम क्या है। हमारा गांव पे निबंध है, देखो मेरा मित्र पे भी है, मेरा प्रिय शिक्षक है। अगर आपको निबंध पे भी ये वीडियो चाहिए, आपको निबंध लिखना नहीं आता, तो मैं ये निबंध आपको वीडियो के रूप में अलग से बना दूंगा आपके लिए। आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन है, आप राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय खेमपुर के छात्र रतन हैं, आपने प्रधानाचार्य को फीस माफी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखी। तो प्रधानाचार्य को आपको फीस माफी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र है, आपको स्कूल में आपने लिखवा रखी है तो आप वो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। तो देखो शुल्क मुक्ति के लिए है कि मैं 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ और मैं साधारण परिवार से हूँ, तो स्कूल की फीस जमा नहीं करवा सकता, तो उससे रिलेटेड आप अपने स्कूल में आपने लिखा, आपको लिखवा रखी होगी, तो उससे रिलेटेड ये देखो यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक है, तो ये आप लिख सकते हो इसमें। आगे देखिए, वर्ग फैली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए मत देने वाला, तो मत देने वाला इसमें देखो मतदाता, तो मैं तय दत्ता
ता नाम आ रहे इसमें मिलने चाहिए। पानी में रहने वाला जीव मछली, तो इसमें आपको मिल जाएगा मछली। म है, छ है, ली है। पिताजी के पिताजी दादाजी होते हैं, दा और जी। एक होने का भाव एकता, तो ए, क और ता। खेलने का स्थान मैदान होता है, मे, दा और न। शरीर को तन बोलते हैं, तो देखो तय और न दोनों सारे मिल रहे हैं इसके अंदर। अपने मौल्य को स्वच्छ एवं आकर्षण बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? अपने मौल्य को साफ रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण को बढ़ावा दे सकते हैं। अपने घर का कूड़ा कचरा सड़क पर नहीं फेंकें। चौराहे तथा मुख्य स्थानों पर आकर्षक होर्डिंग्स लगाएं। रास्तों के गड्ढों को ठीक करें। पानी भरने के स्थानों पर कीटनाशक छिड़केंगे। रास्तों में कई स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है या पानी की सप्लाई बाधित होती है, तो संबंधित विभाग को तुरंत बताकर आमजन को राहत दिलवाएंगे। बालक बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करेंगे। सड़क पार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं। सड़क पार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लाल बत्ती पर रुके, हरी बत्ती होने पर ही चलना चाहिए। सड़क पर सदैव दाईं ओर ही ओवरटेक करना चाहिए। सड़क पार करने के लिए सदैव फुटपाथ या अंडरपास का प्रयोग करें। सड़क के दोनों ओर देखेंगे, जब कोई वाहन नहीं आ रहा होगा तभी सड़क पार करेंगे। रोड पे चलने के लिए कुछ रूल हैं, चाहे आप पैदल चल रहे हो, चाहे आप बाइक से, चाहे आप गाड़ी से, तो ये रूल होते हैं रोड सेफ्टी के लिए। स्टूडेंट्स, ये हिंदी का मॉडल पेपर था, आप कमेंट कर देना, मैं और भी डाल दूंगा। मैंने इंग्लिश के अंदर आपको टेंस कंप्लीट करवा दिए हैं, प्रीपोजिशन करवा दिए हैं, कुछ प्रीपोजिशन के वीडियो और डालूंगा तो वो जरूर देखना। ईवीएस मैंने कंप्लीट डाल रखी है, आपको ईवीएस देखनी हो तो देखना, वीडियो पूरे ईवीएस के वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड होते हैं उनको शेयर कर दिया करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।